स्वागत है प्यारे बहन भाइयों आपका हमारे व्लॉग में। और रात को बारिश हुई थी, बहुत ही शानदार मौसम हुआ हुआ है। अच्छा। बारिश की ऐसी स्मेल आ रही थी रात को, फिर पता चला, मैंने सुबह देखा तो रोड थोड़े थोड़े गीले थे। और आज आयत का पेपर है और हम लोग खा रहे हैं वही कुकी जो हम लोग लेकर आए थे, बहुत ही अच्छी है। आप लोग भी ये वाली कुकी है ना, जरूर ट्राई करें, हर मॉल में मिल जाती है, डी मार्ट में या कोई भी मॉल वहाँ मिल जाती है। तो अभी थोड़ी देर में आयत को स्कूल छोड़ने जाएंगे, उसका एग्जाम है हिंदी का और कल मैथ्स का भी हो गया, कल नहीं परसों हुआ था, एक दिन छुट्टी एक दिन स्कूल, तो चलते हैं स्कूल। तो देखिए दोस्तों, इसके बाल तो बने हुए है नहीं ये इसके बाल बना रही है, कैसा लग रहा है आपको दो छुट्टियां बना के? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। और पढ़ाई वढ़ाई की है कि नहीं? कुछ की थी मैंने, हाँ रात को बहुत देर तक पढ़ाई तो कर रही थी। अच्छा, आज एग्जाम है तो हिंदी का अच्छा पढ़ के जाना और अच्छा करना। आज के बाल भी हम लोग लंबे कर रहे हैं। हाँ, और माशाल्लाह काफी ठीक ठाक लंबे हो गए ना? बहुत हो गए, अच्छे लंबे। हाँ, आयत को कहाँ तक लंबे करने हैं? पूरे कमर तक के लंबे करने हैं। तो ये चोटी नहीं बांध रही तो ऐसे ही छोड़ देती है? तभी आयत है ना, लंबे चाहिए ना चोटी, तो एक एक बार ना वो भी लगा, संडे को ऑयल भी लगा बालों को, थोड़ा थोड़ा चोटी बांध देती। क्या करूँ ऐसे, चोटियाँ चोटियाँ नहीं, उसको नहीं चाहिए चोटियाँ, और चोटियाँ बांधने की आदत। ऐसा लग रहा है वो व्हाइट डॉगी रहता है ना जिसके लंबे लंबे कान रहते हैं वैसी लग रही है एकदम, प्यारी तो लगती है ना, डेल बांध के, छोटी बांध के भी अच्छी लगती है, पर उसको नहीं बांधनी है तो फिर उसकी मर्जी की बात। सही बात है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, लाइक कर दीजिए, और कुछ बोलना चाह रही हो? नहीं बोलना चाह रही है, बस खाना चाह रही है बस। गाइस पापा एक हाथ से बाइक चला रहे, व्लॉग बनाने के चक्कर में अगर हम लोग मिले नहीं ना, प्लीज हमें बचा लेना। पापा के पास एक शॉर्ट वीडियो थी, वो मैंने डाली स्कूल के बारे में, वो मैंने डाल दी। समोसा लेना है। पापा भी भूल गए, समोसा पापा भूल जाते हैं बहुत जल्दी। तो समोसा रोटी खाएगा? नहीं नहीं, समोसा तो ऐसे मजे के लिए, सबके लिए। दही रोटी भाई, गरीब आदमी सब्जी अफोर्ड नहीं कर सकता गाय। और घर में भिंडी की भाजी बन रही है, इसको भिंडी अच्छी नहीं लगती इसलिए टकरे दिखा रहा है बस। और भाई गरीब आदमी सब्जी अफोर्ड नहीं कर सकता। गाइस हम लोग समोसा लेने आ चुके हैं। ओ माय गॉड मेरे पति क्या लाया है? मैं लाया हूँ बहुत सारा सामान, देखिए दोस्तों। सामान तो बहुत ही ज्यादा ही अच्छा दिख रहा है मुझे, ऐसा मत कहना कि ये किसी और का है, ये मेरा है, मैं मेरे पैसों से लाया हूँ। देखिए ये साथ में है, ये और ये केले बहुत पसंद है बच्चों को नहीं पसंद है जबरदस्ती खिलाया जाता है हमें केक, और ये गुजर वाली पेस्ट है, और बस ये और दही बहुत सारे। बस मुन्ना, बस मुझे एक कहानी बतानी है। बताओ। आइए ये मटर को पहले देखिए, ये व्हाइट मटर है और इसकी एक कहानी है, इसकी बहुत दुख भरी कहानी है। इसकी दुख भरी कहानी ये है कि हमारे सभी रिश्तेदार कहते हैं कि भिलवाड़ा के अलावा ये मटर कहीं नहीं मिलते हैं, भिलवाड़ा से खरीद कर लेके जाते हैं। तो बताइए क्या ये मटर भिलवाड़ा के अलावा कहीं और नहीं मिलते हैं? प्लीज टैग करके बताइए। तो फिर ये तो करोड़ों का मिलना चाहिए अगर सिर्फ दुनिया में एक स्टेट में मिलता है, एक सिटी एक कंट्री भी नहीं। हमारे रिश्तेदार यहाँ से खरीद कर लेकर जाते हैं मटर, पर मैं इसको दुनिया की किसी भी कोने से खरीद कर दिखा सकती। गाइस ये बहुत टेस्टी है, ये गलत नहीं आ रही तूने, कैसे केक लेके आए? 2-in-1 केक है, 2-in-1 है, दो दो तरीके के केक एक साथ है। नहीं है अपना, मैंने लिया है मेरे पैसे का। अच्छा, झूठ बोल रहा है, मेरी तरफ से इसके लिए है, कुछ मीठा हो जाए जी। मैं मुझे पता था यारी भी ला सकता है मेरे लिए। कितने रुपए का है? रुपए भी पे छोड़, 2-in-1 ड्राई फ्रूट ब्रेड केक है ये, इसमें चॉकलेट भी है और 160 रुपए का है। इसके ना मुझे लग रहा है दो फ्लेवर डाला है वो लोग ने, इसीलिए तो 2-in-1 लिखा है। सोचो 2-in-1 लिखा है, शायद इसी वजह से होता है शायद। मुझे भी रिश्तेदारों की हवा शवाशी लग रही है ना, इसलिए मैं भी कुछ भी बोल रही हूँ। रुक जाओ, उसके लिए थैली लेके आती हूँ, उसी के ऊपर मत रख। तो दोस्तों हमारा खाना खा के हो चुका है, अब हमारी हो रही है केक पार्टी, और ये सारा केक अकेले अकेले खा के बैठ गई।
आपका हिस्सा सामने ही पड़ा है, सबको दिख रहा है। तूने खा लिया जैद? तो चलो जैद ने खा चुका है और अब ये खा रही है, और आयत का भी हिस्सा और मेरा भी हिस्सा, ये मेरा है और वो आयत का है। और कैसा लगा केक आपको? बहुत अच्छा, टेस्टी है बहुत। चलो बढ़िया है, गर्मी आ गई है तो हमने फैन चालू कर दिया, उसकी आवाज आ रही होगी तो हम बाद में बंद करके करेंगे शूटिंग, सही है? चलो हाँ, पर बंद करके करे तो अच्छा। हाँ थोड़ी देर में कूलर आ जाएगा। और हम लोग देख रहे हैं सुख जर्नी यूट्यूब चैनल, और हमारे यूट्यूब चैनल को भी लाइक करें दोस्तों प्लीज। यूट्यूब की जनता को कहना चाहती हूँ, कुछ कहा सुनने के लिए तो हमें माफ कर दें, और साथ साथ हमारे ब्लॉग को देख के अपने रिश्तेदारों को भी बोले देखने के लिए, और कुछ स्पेशल देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे जरूर बताइए। और खाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए। गाइस क्या आप भिलवाड़ा की अनलिमिटेड थालियों को देखना चाहते हो अलग अलग जगहों की? हाँ बोलो। अरे तो दिख ही नहीं रहा वहाँ पे। मैंने तो एक और चीज़, अरे तूने नहीं बताया कैसा लगा देखो साउथ इंडियन थाली। मैंने की पता है मोर एंड मोर ऑफ दिस लूट रे डोसा, अनलिमिटेड नहीं है, चार पूड़ी और एक चावल और पापड़ एक और शायद रसम, और ऐसे कुछ तीन चार डिश, लूट रहे। चलो ठीक है, कभी जाना हुआ तो जाकर आएंगे वहाँ पर भी। कभी जा भी सकते हैं, मैं जाऊंगी प्रसादम, हाँ प्रसादम नाम है, मैं जाऊंगी पर पहले अगर वहाँ का कुक साउथ इंडियन रहा तो ही खाऊंगी मैं, नहीं तो नहीं खाऊंगी। 400 रुपए में तो असली चीज ही मिलना चाहिए, अंदर कोई मतलब समझो अंदर गुजराती बना रहा है। मालूम पड़ा के साउथ इंडियन है, वो भी सीख कर आया होगा तो कहीं साउथ इंडियन फूड होता है ना, ओरिजिनल आदमी उसको अच्छे से बना पाएगा। चलो ठीक है दोस्तों, ट्राई करेंगे हम लोग।